मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। मैं एजाज मंसूरी आपके अपने यूट्यूब चैनल इकरा इंग्लिश क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th का लेसन 4, जिसका नाम है ट्रीज आवर सेवियर, पेड़ हमारे रक्षक। सेवियर यानी रक्षक, रक्षा करने वाले। बॉक्स में लिखा है नेम डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रीज, अलग अलग पेड़ों के नाम बताइए। व्हाट डू वी गेट फ्रॉम ट्रीज, पेड़ों से हमें क्या प्राप्त होता है। तो ये मौखिक प्रश्न है, आपको बोलकर जवाब देना है इन दोनों प्रश्नों के। चलिए लेसन स्टार्ट करते हैं। ये देखो, हिमालय की पहाड़ियों के बारे में बताया गया है। ये हिमालय का जो पहाड़ी और इसका जो जंगल, ये देखो। चलिए लेसन स्टार्ट करते हैं। द फॉरेस्ट ऑफ द हिमालय रीजन, हिमालय क्षेत्र के जंगलों ने हैव प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड के लोगों के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। किन्होंने? उत्तराखंड के जो फॉरेस्ट फॉरेस्ट हैं, जंगल हैं हिमालय क्षेत्र के, उन्होंने उत्तराखंड के जो लोग हैं उनके जीवन में एक इम्पोर्टेंट रोल यानी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, अदा की है। दे हैव बीन सप्लाइंग फोडर फॉर देयर कैटल्स, वे उनके पशुओं के लिए चारा प्रदान करते हैं। कौन? जंगल। वुड फॉर फ्यूल, और लकड़ी प्रदान करते हैं किसके लिए? ईंधन के लिए, जिससे वह खाना वगैरह बना सकें। फ्रूट्स फॉर फूड, और खाने के लिए फल प्रदान करते हैं। एंड हर्ब्स फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, और मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए हर्ब्स यानी औषधियाँ, जड़ी बूटी प्रदान करते हैं। कौन? उत्तराखंड के जो लोग हैं उनके लिए, वहाँ के जो जंगल हैं वो उनके लिए इतनी सारी चीज़ें प्रदान करते हैं, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड के जंगल, उत्तराखंड के लोगों के लिए। द फॉरेस्ट हैव ऑल्सो प्रिवेंटेड फ्लड्स एंड सॉइल इरिशन, है ना। ये जो फॉरेस्ट है, जंगल है, ऑल्सो प्रिवेंटेड फ्लड्स, प्रिवेंटेड यानी रोकते हैं, फ्लड्स यानी बाढ़ को, एंड सॉइल इरिक्शन और मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। इन द एरिया ड्यूरिंग द मानसून सीजन, बरसात के मौसम में ये जो जंगल हैं वह बाढ़ को रोकते हैं और मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, है ना। आपने देखा होगा कि जितने ज़्यादा अधिक पेड़ लगे होंगे तो वहाँ पर बाढ़ कम आती है, और अगर बाढ़ आ भी जाती है किसी कारणवश, तो ये जो पेड़ रहते हैं वो मिट्टी को कस के पकड़े हुए रहते हैं अपनी जड़ों से, तो ये मिट्टी को बहाकर नहीं ले जाने देते एक जगह से दूसरी जगह। ड्यूरिंग द 1970s हाउएवर डिफॉरेस्टेशन बिगेन, 1970 के दशक में किस तरह वनों की कटाई अंधाधुंध तरीके से शुरू हुई थी। ट्रीज वर कट डाउन, पेड़ काटे जा रहे थे। एज अ रिजल्ट, उसका नतीजा ये हुआ, देयर वॉज नथिंग टू होल्ड द सॉइल, मिट्टी को पकड़ने के लिए कोई चीज नहीं बची। मतलब जो पेड़ मिट्टी को पकड़े हुए थे उनकी कटाई हो रही थी, तो सभी पेड़ बहुत तेजी से काटे जा रहे थे, तो जब भी बाढ़ आती थी तो पूरी मिट्टी बहाकर ले जाती थी। द रशिंग रेन वाटर कैरीड अवे नॉट ओनली द सॉइल, और यह जो बारिश थी वह केवल मिट्टी को ही नहीं बहाकर ले जाती थी, बट आल्सो ह्यूज रॉक्स से बड़ी बड़ी चट्टानों को भी तोड़ देती थी। क्रशिंग कॉजिंग लैंडस्लाइड्स, और बहुत अधिक बारिश का कारण लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन भी होता है ना। आपने देखा होगा उत्तराखंड में हमेशा बोलते हैं कि बादल फट गए हैं, हिमालय पहाड़ियों पर बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, जिससे वहाँ की चट्टाने खिसक कर और पूरी रोड को भी ब्लॉक कर देती है ना। चट्टाने, बड़ी बड़ी चट्टाने, वहाँ से पत्थर वगैरह बारिश के टाइम पे गिरते हैं और बहुत ज़्यादा बाढ़ की स्थिति बन जाती है। फिलिंग अप द रिवर्स, ये नदियों को भर देती है, लीडिंग टू फ्लड्स, और बाढ़ का कारण बनती है। फर्दर ओइंग टू द फॉरेस्ट ट्रीज बीइंग टेकन अवे, है ना, इस कारण जो जंगल थे वो कटते जा रहे थे। द पीपल हु डिपेंडेंट ऑन देम, और
वह लोग जो इस पर निर्भर थे किसके लिए? फॉर फूड, खाने के लिए, एंड फ्यूल और ईंधन के लिए। फेस्ड ग्रेट डिफिकल्टी, उन्हें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी मतलब मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था। दे हैड टू वॉक लॉन्गर डिस्टेंस टू कलेक्ट फायरवुड फॉर कुकिंग, है ना, उन्हें अब लंबी दूरी तय करनी पड़ रही थी खाना बनाने के लिए, लकड़ियाँ इकट्ठी करने के लिए, कुकिंग यानी खाना बनाने के लिए, फायरवुड यानी लकड़ी खट्टी कलेक्ट यानी इकट्ठी करने के लिए, है ना। तो अब उन्हें लंबी दूरी तय करनी पड़ी थी क्योंकि आसपास के सारे जंगल काटे जा रहे थे। प्लांट्स फॉर फूड एंड मेडिसिंस, और प्लांट्स यानी पौधे काटे जा रहे थे फॉर फूड एंड मेडिसिन, जिनसे कि खाना और दवाइयाँ और जड़ी बूटियाँ प्राप्त होती थी, वे भी काटे जा रहे थे। एंड टू गेज देयर केटल, है ना, और ये उनके मवेशियों के लिए भी, गेज यानी मवेशियों को चराने के लिए भी जो जंगल थे वो उपयुक्त थे, लेकिन अब जंगल की कटाई हो रही है तो वो अपने पशु पक्षी पशु वगैरह कहाँ पर चराएं, ये उनके लिए समस्या खड़ी हो गई थी, है ना। गाय ढोर कहाँ चराएं, जंगल खत्म हो गए हैं तो उनको चरने के लिए पत्तियाँ वगैरह और झाड़ियाँ घास वगैरह भी नहीं मिल पा रही थी। द पीपल वर एंग्री बट हेल्पलेस, लोग बहुत ज़्यादा एंग्री मतलब क्रोधित गुस्से में थे लेकिन हेल्पलेस लेकिन असहाय थे, करें तो करें क्या। दे डिड नॉट नो वाट दे, वे नहीं जानते थे कि वे क्या करें। द सिंपल विलेजर्स, बहुत ही मासूम थे वो गांव वाले, कुड डू टू स्टॉप द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर फॉरेस्ट, वह अपने जो जंगल है उनके विनाश को रोकने के लिए क्या करें उन्हें समझ नहीं आ रहा था। फॉर अ लॉन्ग टाइम रिच फॉरेस्ट हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय द कंस्ट्रक्टर्स, है ना, लंबे समय से ये जो घने घने जंगल है, रिच फॉरेस्ट यानी घने जंगल, डिस्ट्रॉयड यानी नष्ट किए जा रहे थे बाय द कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर यानी जो कि किसी कंपनी या फैक्ट्री वगैरह के जो कंस्ट्रक्टर हैं बनाने के, वो पेड़ काट के जो भी चीज़ें बनाते हैं फर्नीचर वगैरह, या रेलवे के, रेलवे में जो सीट लगी रहती है स्लीपर कोच, है ना, आप ट्रेन में बैठे होंगे तो वहाँ लकड़ी की सीट वगैरह लगी रहती है, तो वो भी पेड़ों से ही काट के बनाई जाती है। वन मॉर्निंग इन मार्च 1973, 1973 की एक सुबह, मार्च 1973 में, अ ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम अ फैक्ट्री दैट मेड विलेज रेलवे गुड्स अराइव्ड एट द विलेज ऑफ गोपेश्वर, लोगों का एक समूह जो कि फैक्ट्री से आया था, और वो फैक्ट्री जो रेलवे गुड्स मतलब रेल के जो है पार्ट्स वगैरह बनाती थी, सामान बनाती थी, अराइव्ड एट द विलेज ऑफ गोपेश्वर, गोपेश्वर विलेज में पहुंचे, इन चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, जो कि चमोली जिले में स्थित है उत्तराखंड राज्य में, है ना। तो जो फैक्ट्री के जो लोग आए थे कंस्ट्रक्टर वगैरह, वह गोपेश्वर गांव में पहुंचे जो कि चमोली जिले में और उत्तराखंड राज्य में स्थित है। दे हैड कम टू कट द एश ट्री, वह एश पेड़ों को काटने आए थे। एश ट्री एक तरह का पेड़ होते हैं जो घने रहते हैं, लंबे रहते हैं, ये आप गूगल पर सर्च करके देखना एश ट्री के बारे में, आपको वहाँ पर पिक्चर दिखेगी। द वुड वॉज टू बी यूज टू मेक स्लीपर्स, इनकी लकड़ियों से स्लीपर्स मतलब रेलवे के जो स्लीपर्स रहते हैं, जो सीट वगैरह रहती है लकड़ी वाली, वो बनाई जाती है, उसको रेलवे स्लीपर कहते हैं। फॉर द रेलवेज इन द प्लेन्स, है ना, रेलवे में जो स्लीपर्स मतलब सीट वगैरह बनाई जाती है वह इन पेड़ों से कटाई कर कर बनाई जा रही थी, एश ट्री से। द विलेजर्स रिक्वेस्टेड द एक्समैन टू गो वे, तो गांव वालों ने इसका विरोध किया और उनसे विनती की कि तुम यहाँ से चले जाओ। एक्समैन मतलब जो कुल्हाड़ी लेके जो सब लोग आए थे पेड़ काटने, उस कंपनी के, उस फैक्ट्री के कंस्ट्रक्टर वगैरह,
उनसे विनती की कि तुम यहाँ से चले जाओ, हमारे पेड़ों को मत काटो। बट दे रिफ्यूज्ड टू रिटर्न, लेकिन उन्होंने जाने से मना कर दिया, रिफ्यूज्ड ने मना कर दिया। द पीपल डिसाइडेड दैट, लोगों ने निर्णय लिया कि दे वुड नॉट लेट द एक्सेस टच द ट्रीज नो मैटर वॉट हैपेंड। लोगों ने निर्णय लिया कि वे उनके पेड़ों पर कुल्हाड़ी को टच नहीं होने देंगे, नो मैटर वाट हैपन, चाहे जो भी हो जाए, है ना। नो मैटर वाट हैपन मतलब चाहे जो भी हो जाए, वे उनके पेड़ों को एक भी कुल्हाड़ी नहीं लगने देंगे, मतलब पेड़ों को काटने नहीं देंगे। दे सेड, उन्होंने कहा, गांव वालों ने। आगे देखते हैं, लेट लेट अस सेव आवर प्रीशियस ट्रीज, हमें हमारे बहुमूल्य या मूल्यवान पेड़ों को बचाना है। लेट अस हग देम, चलो उन्हें गले लगाएं, सो देट नो वन कैन रीच देम, ताकि उन तक कोई भी पहुंच नहीं पाए, है ना। तो गांव वालों ने निर्णय लिया कि हमें हमारे बहुमूल्य और बहुत ही महत्वपूर्ण पेड़ों को हमें बचाना है, तो हम उनके गले लगते हैं ताकि कोई भी उन तक पहुंच नहीं पाए और उन्हें काट ना पाए। एंड दे ऑल रज्ड फॉरवर्ड शाउटिंग चिपको चिपको, और वह चिपको चिपको कहते हुए पेड़ों से चिपक गए। द एक्समैन वर फ्राइटेंड बाय द टर्न द सिचुएशन हैड टेकन एंड रेन अवे। यह सब देखकर जो कुल्हाड़ी वाले लोग आए थे, कंस्ट्रक्टर, वो इस स्थिति को देखकर बहुत फ्राइटेंड यानी घबरा गए, और वह वहां से रेन अवे यानी भाग गए, है ना। उन्होंने कहा ये सब लोग तो पेड़ से चिपक रहे हैं, अब हम पेड़ को काट नहीं सकते, अगर हमने पेड़ को काटा तो इनकी जान चली जाएगी, मतलब ये लोग मर सकते हैं, इसलिए वो वहां से डर के भाग गए। द पीपल हैड सक्सीडेड इन सेविंग देयर ट्रीज, लोग जो है अपने पेड़ों को बचाने में सफल हो गए। सक्सीड यानी सफल होना, सक्सीडेड यानी सफल हो गए, सेकेंड फॉर्म है, और सेविंग मतलब बचाने में। दस इस प्रकार बिगेन द मूवमेंट कॉल्ड चिपको और हग द ट्रीज। तो यह जो मूवमेंट है, आंदोलन है, वो क्या कहलाया, चिपको या हग द ट्रीज। इस आंदोलन को चिपको और हग द ट्रीज के नाम से जाने जाने लगा। इट वॉज अ नॉन वायलेंट मूवमेंट ऑफ द माउंटेन पीपल टू सेव देयर ट्रीज बाय हगिंग देम। यह एक अहिंसात्मक आंदोलन रहा हिमालय के लोगों के लिए अपने पेड़ों को बचाने के लिए, और वह उन्हें गले लगाकर उन्होंने अपने पेड़ों को बचाया, बिना किसी बगैर किसी लड़ाई झगड़े के, है ना। अहिंसा मतलब कोई भी अहिंसा नहीं की, कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं की, नहीं किया, और अपने पेड़ों को शांतिपूर्ण तरीके से उन्होंने रक्षा की, बचा लिया। द विलेजर्स ऑफ गोपेश्वर हैड सेव्ड इट्स ट्रीज, बट द कंस्ट्रक्टर वर नॉट गोइंग टू गिव अप इजीली। गोपेश्वर गांव के जो लोग हैं, उन्होंने अपने पेड़ों को बचा लिया, बट लेकिन जो कंस्ट्रक्टर थे, वह आसानी से हार नहीं मानने वाले थे, है ना। नॉट गिव अप इजीली, आसानी से हार नहीं मानने वाले थे। फिर उन्होंने क्या कहा, कंस्ट्रक्टर ने क्या कहा, करा, दे हैड चूज अनादर अनादर फॉरेस्ट विच वॉज अबाउट 60 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम गोपेश्वर। अब उन्होंने क्या सोचा कि ये लोग तो यहाँ के पेड़ काटने नहीं देंगे, तो उन्होंने एक अनादर फॉरेस्ट, एक और जंगल को चुन लिया जो कि 60 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम गोपेश्वर, गोपेश्वर गांव से 60 किलोमीटर दूर था। उन्होंने कहा आप दूसरे जगह जाके पेड़ काटते हैं, यहाँ तो ये लोग पेड़ काटने नहीं देंगे। न्यूज ऑफ दिस रीच्ड गोपेश्वर, इसकी खबर क्या हुई, गोपेश्वर गांव के लोगों तक पहुंच गई। सो द एंटायर विलेज मैन एंड वुमेन एंड यंग, ओल्ड एंड यंग, बिगन टू मार्च इन अ प्रोसेशन, है ना। तो जैसे ही इसकी खबर लोगों तक पहुंची कि जो पेड़ काटने वाले लोग आए थे, वह 60 किलोमीटर दूर किसी दूसरी जगह पर जाकर पेड़ काटने का प्लान बना रहे हैं या पहुंचने वाले हैं, तो इसकी खबर गोपेश्वर गांव के लोगों तक पहुंची, तो वहां के जो विलेज मैन हैं, गांव के लोग हैं, वुमन, औरतें, बूढ़े, यंग जवान,
विगन टू मार्च इन प्रोसेशन, उन्होंने एक जुलूस निकाला, मतलब एक आंदोलन छेड़ दिया कि हम वहां के पेड़ों को भी नहीं काटने देंगे। दे कैरीड ड्रम्स एंड ट्रम्पेट्स एंड बैनर्स विथ मैसेज लाइक, है ना, उन्होंने ड्रम और ट्रम्पेट, ढोल नगाड़े बजाकर, और बैनर्स मतलब हाथ में लिखा हुआ बैनर लेके मैसेज या संदेश दे रहे थे। उस बैनर में लिखा था, चॉप मी नॉट द ट्री, मुझे काटो, पेड़ को मत काटो, एंड किल अस फर्स्ट, पहले हमें काटो, बिफोर यू कट अ सिंगल ट्री, पेड़ किसी एक पेड़ को भी काटने से पहले हमें काटो, मतलब हम पेड़ की रक्षा करना चाह रहे हैं और तुम पेड़ को काट रहे हो, ये तो तुम बहुत ही गलत काम कर रहे हो, इसलिए हम तुम्हें पेड़ को काटने नहीं देंगे। द एक्स मैन कुड नॉट रेज देयर एक्सेस, तो जो कुल्हाड़ी वाले लोग थे वह अपनी एक्सेस मतलब जो कुल्हाड़ी थी वह नहीं उठा सके, मतलब पेड़ नहीं काट पाए, क्योंकि वहां भी वो लोग पहुंच गए थे और वो वहां पर भी पेड़ों से चिपक गए। दे फ्लेड, वे भागे। द चिपको आइडिया हैड वंस अगेन वन, और इस तरह ये चिपको आइडिया है, चिपको वाला विचार है, फिर से जीत गया। विन यानी जीतना, वन यानी जीत गया, विन का सेकेंड फॉर्म। ट्रीज हैड बीन सेव्ड, पेड़ों को बचा लिया गया। द मैसेज बिगेन टू स्वीप थ्रू द रीजन, और यह जो संदेश है वह पूरे क्षेत्र में फैल गया। लोगों ने अपने पेड़ों को बचा लिया, फैक्ट्री से जो लोग आए थे पेड़ काटने उनसे। द पीपल न्यू दैट इफ दे कुड सेव देयर फॉरेस्ट, लोग जानते थे यदि वे अपने पेड़ों को बचाएंगे, द फॉरेस्ट वुड सेव फॉर देम देयर सॉइल, देयर वाटर एंड देयर लिवलीहुड, यदि वह जंगल को बचाएंगे तो जंगल उनके लिए मट्टी, सॉइल यानी मिट्टी, वाटर यानी पानी, और लिवलीहुड यानी जीवन यापन करने को सेव यानी रक्षित करेंगे। मैनी सच इंसिडेंट टुक प्लेस, ऐसे कई घटनाएं कई जगह पर हुई है। ओवर द ईयर्स द पीपल्स मूवमेंट बिकम वेल नोन ऑल ओवर इंडिया एंड अब्रॉड, है ना, तो साल दर साल यह जो आंदोलन है, मूवमेंट है, वह जाना माने जाने बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया, फेमस हो गया, वेल नोन, बहुत ज़्यादा बहुचर्चित हो गया, इसको जाना जाने लगा ऑल ओवर इंडिया एंड अब्रॉड, इंडिया में ही नहीं विदेशों में भी, अब्रॉड में इस आंदोलन की खूब चर्चा हुई। दस इस प्रकार पीपल हैव कम टुगेदर टू वर्क टू प्रोटेक्ट देयर फॉरेस्ट, इस प्रकार लोग एक दूसरे के साथ आए अपने पेड़ों को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट यानी सुरक्षा करने के लिए, बचाने के लिए। दे हैव ऑर्गेनाइज्ड देमसेल्फ स्पेशली द, उन्होंने अपने सभी को ऑर्गेनाइज्ड यानी इकट्ठा किया, स्पेशली मुख्य तौर पर, किस लिए, स्पेशली वुमन थ्रू ऑर्गेनाइजेशन सच एज द सोली ग्राम स्वराज मंडल टू रीजनरेट द डिग्रेडेड फॉरेस्ट, और एक जो ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था है जिसका नाम है दसोली ग्राम स्वराज मंडल, इन्होंने जो डिग्रेडेड मतलब जो पेड़ों को काट दिया गया था, मतलब जहाँ पर पेड़ को नष्ट कर दिया गया था पहले, उसको रीजनरेटेड मतलब फिर से वहाँ पर नए नए पेड़ पौधे उगाकर उस जगह को बिल्कुल रीजनरेटेड यानी फिर से जनरेट कर दिया गया, फिर से वहाँ पर पेड़ लगाए गए। दिस इज हाउ द चिपको मूवमेंट हैज प्रूव्ड वेरी वैल्यूएबल इन द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, इस तरह जो चिपको आंदोलन है, चिपको मूवमेंट है, वह बहुत ही ज़्यादा बहुमूल्य, वैल्यूएबल मतलब बहुमूल्य साबित हुआ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, जंगलों के संरक्षण में, कंजर्वेशन यानी संरक्षण। इट हैज टॉट एन इम्पॉर्टेंट लेसन टू द पीपल इन कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट, इसने लोगों को सिखाया एक महत्वपूर्ण लेसन, महत्वपूर्ण सबक उन लोगों को जो कि कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, जो कि पेड़ों की रक्षा कर रहे थे। तो बच्चों इस पाठ में बताया गया है कि लोगों ने अपने पेड़ों को काटने नहीं दिया, जो लोग पेड़ काटने आए थे उन्हें डराकर भगा दिया और उनसे लड़े कि
तुम हमारे पेड़ों को नहीं काट पाओगे, है ना। वो पेड़ों से चिपक गए और उन्होंने अपने पेड़ों की रक्षा की और पेड़ को काटने नहीं दिया। इसी तरह हमें भी पेड़ों को काटना नहीं चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि पेड़ हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, फल मिलते हैं, फूल मिलते हैं, है ना। पेड़ों से हमें हरियाली मिलती है और छाया भी मिलती है ना। बहुत सारी चीज़ें पेड़ों से मिलती है। और पेड़ जितने अधिक पेड़ होंगे उतनी अच्छी बारिश होगी, पेड़ कम रहेंगे तो बारिश कम होगी, पेड़ ज़्यादा रहेंगे तो मिट्टी को पकड़ के रखेंगे ताकि बारिश का जो पानी है मिट्टी को बहाकर नहीं ले जा पाए, है ना। तो बच्चों हमें भी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, अपने घरों में भी अच्छे अच्छे पेड़ लगाएं, और हरियाली बहुत अच्छी लगती है वैसे भी, और आसपास भी हमें पेड़ लगाने चाहिए। और जो कोई पेड़ काट रहा है उसको हमें रोकना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए, उसको पेड़ नहीं काटने देना चाहिए। तो आशा करता हूँ बच्चों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि हमारे आगे आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए आपका अपना YouTube चैनल इकरा इंग्लिश।